मार्च 5 आज एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन है जिनको पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में बिजू बाबू के नाम से जाना जाता है। वो अपनी आखिरी दम तक उड़ीसा के प्रगति के बारे में सोचते रहे और ऐसे नामुमकिन काम कर दिखाए जो कि लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल था। हमने उनके बहादुरियों के बहुत किस्से सुने हैं, लेकिन कुछ अनसुनी कहानियां सुनेंगे अनिल मिश्र जी की जुबान से, जो कि उनके साथ 5 मार्च 1980 से जुड़े हुए हैं। वो उनके क्लोज एड और पर्सनल फोटोग्राफर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपने उनकी पूरी जीविका इस गैलरी में बंद करके रखी है, लेकिन हम इतने सारे फोटोग्राफ्स देखे, लेकिन जब आप कहीं पे भी बिजू पटनायक का फोटो ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले ये जो फोटो है वो आता है सर्च लिस्ट में। लेकिन आपने इसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया है गांधी जी के 3 बंदर के हिसाब से, वो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और एक नया कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे का स्टोरी क्या है? बिजू बाबू जब उनका तस्वीर हम खींचते हैं उसी टाइम वो एक्शन देते हैं। वो बहुत नई नई तरीका से फोटो देते हैं अखबार वालों के लिए। कोई दूसरा आदमी जाएगा उनका पास फोटो, वो ले नहीं पाएगा। वो पूरा स्पीड, मान इतना स्पीड से बदलते हैं जो देखने में अच्छा लगता है, फोटो लेने में अच्छा लगता है। एक दिन उसने पूछा, अरे मैं आग को बंद किया था, तुमने क्यों खींचा? मैंने बोला, सर आपने तो आग तो बंद किया, देखा कैसे? तो वो बोला, तुमने शटर कैमरा का मुझे लगा तुमने उठाया। मैंने हाँ उठाया ना। उसी दिन कान बंद किया था, तुमने उठाया, आँख बंद किया उठाया, और मुंह तो हरदम मैं ऐसे बैठता हूँ, आप उठाते हैं क्यों? मैंने बताया, सर आप तो, मैंने कभी आपको राजनीतिक व्यक्तित्व में लिया नहीं, आप स्टेट्समैन है। आपने जो बताएंगे जो आगामी पीढ़ी आएगा उड़ीसा का, उसको जानकारी होगा। मैंने आपका मुंह बंद करने का, आंख बंद करने का, कान बंद करने का फोटो लिया है। गांधी जी, क्या तुम मुझे बंदर बना दिया? मुझे नहीं साहब, मैं बंदर क्यों बनाऊंगा? आप ऐसा भगवान जैसा आदमी है, हम बंदर क्यों बनाएंगे? लेकिन एक चीज़ हर आदमी को, हर राजनीतिक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, मुंह बंद करने का यह है जो अच्छे बात राजनीति में काम करता नहीं। तो आप हर दिन अच्छे बात बोलते हैं, लोग इसलिए वोट देते नहीं। और आंख बंद करने का बात है, जो आगे जो विजुअल है आपका, विजन है कि उड़ीसा को आगे लेंगे, इसीलिए आप लोग वोट देते नहीं। देंगे बोलने से लोग देंगे वोट, अगर दे दिया तो उनका काम खत्म, यू क्यों दोगे आपको वोट? और कान जो है राजनीति में, कान में सुनने का आदत कीजिए, डालिए। आप डालते नहीं इसलिए आगे बढ़ते नहीं। तो वो पूरा बहुत खुश हो गया और मुझे इसे पकड़ लिया, पकड़ के बोला, अरे तुम सर क्या क्या सोचते हो? सर सोचना नहीं, मेरा इच्छा है 80 से लेकर एंड तक आपका फोटो लेके मैं एक गैलरी बनाऊंगा। वो तो बोला, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। इसीलिए जब 1997 अप्रैल 4 तारीख फोर्थ अप्रैल को एयरपोर्ट से रवाना हुआ दिल्ली, इसी टाइम उनका गाड़ी सारा होल वर्ल्ड में उनका व्हीकल प्लेन के पास जाता था। अमेरिका में, लंदन में, जहाँ पर जाएंगे उनका गाड़ी प्लेन के पास जाएगा, और किसका नहीं, राष्ट्रपति का जाएगा, प्राइम मिनिस्टर का जाएगा, लेकिन वो आम आदमी होके भी उनका गाड़ी जाता था। अच्छा, उनका गाड़ी गया, उतरा, मैं भी उतरा। वो बोला, अरे थोड़ा नेगेटिव लो, ये नेगेटिव तुम पैदा हुआ नहीं था, इसी समय का है, ये तुमको बहुत हेल्प करेगा। उसी नेगेटिव से मैं जितना वो 1916 से लेकर 1980 तक जितना तस्वीर लगा है, वो नेगेटिव उसने मुझे दिया था, वो कॉपीराइट मेरा पास ही है। बिजू पटनायक भले एक राजनेता थे जो सत्य में ना होके भी उड़ीसा वासियों के बारे में सोचते थे और उनके हक की लड़ाई लड़ते थे। उनके सबसे करीबी फोटोग्राफर का कहना है, वो बिना किसी दबाव में आकर और कहा सुनी बातों में ना पढ़कर सिर्फ जनता के हित में निर्णय लेते थे। उनकी जबान से झूठे दिलासे नहीं निकलते थे,
और वे दूरदृष्टि संपन्न थे। शायद ही कभी कोई दूसरा ऐसा इंसान इस धरा पृष्ठ में जन्म लेगा।